नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एक्टर्स रिया चक्रवर्ती को बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के लॉकअप से भायलखा जेल में शिफ्ट किया गया। इससे पहले एक्टर्स ने रात लॉकअप में बिताई। NCB ने रिया को कल दोपहर गिरफ्तार किया था। इसके बाद देर शाम कोर्ट में पेशी हुई। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल में कैदियों की गिनती के बाद नए कैदी को नहीं लिया जाता, इसीलिए उन्हें मंगलवार रात को NCB के लॉकअप में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में रिया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। वह रात में कई बार उठी और बैरक में टहलती हुई नजर आई। इस बीच रिया और उसके भाई सोविक ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए फिर याचिका लगाई है। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने इसकी पुष्टि की है। रिया पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। रिया का रोल ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और जमा करने वाले सिंडिकेट्स के सदस्य के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये माना है कि वो ड्रग्स लेती थी। NCB की टीम ने उससे 3 दिन पूछताछ की, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स मामले में यह 10वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले रिया के भाई सोविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कर्मचारी रहे दीपेश सावंत, ड्रग पेडलर अवधेश बासित परिहार, जैद विलात्रा और कैजिन इब्राहिम समेत 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि केंद्र की 3 एजेंसियां एक महिला के पीछे इसलिए पड़ी हैं क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट शख्स से प्यार करती थी जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गलत तरीके से दी गई दवाइयों की वजह से उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले ब्लाड एस्टेट में NCB दफ्तर से बाहर आकर NCB के वाहन में बैठते समय रिया ने वहां जुटे मीडिया कर्मियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट में कहा, भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मृत व्यक्ति बोल नहीं सकता, इसीलिए किसी मृत पर आरोप लगाना शर्म की बात है।